हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 6th of January 2021 6 जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, हमने यूपीएससी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है, 15 जनवरी से उसकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन। ओके, इसके अलावा हमारा सी सैट कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। सी सैट की ऑलमोस्ट 40 क्लासेस हो चुकी हैं, वो जल्दी 20-22 क्लासेस में और उसका जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स बेसिक न्यूमरेसी और ये वाला पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल। एंड आपका यूपीएससी रिवीजन सीरीज जो है, जिसमें कि हम पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जितना भी साल डेढ़ साल का रिवीजन है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का जो पार्ट आएगा उसकी जिस्ट और समरी उसका रिवाइज करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी इस बार सॉल्व करेंगे, कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन हम सॉल्व करके जाएंगे। एंड दीज विल बी सम ऑफ द बेसिक हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो दोज हु वांट टू जॉइन, दे कैन जॉइन फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली आज के क्वेश्चंस के साथ, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मोनपा हैंडमेड पेपर। मोनपा हैंडमेड पेपर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ 100,000 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज आर्ट नेटिव टू तवांग अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द पेपर इज यूज्ड फॉर राइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड हिम्स इन मोनेस्ट्रीज। तीसरा कह रहा है, द पेपर विल बी मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री कॉल्ड शुगुशिंग। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है आपको बताना है मोनपा हैंडमेड पेपर के रिगार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है। 1, 2, 3 डी विल बी द आंसर फॉर दिस। ये तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट हेरिटेज क्राफ्ट है, याद रखेगा। एंड द पेपर इज यूज्ड फॉर राइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड हिम्स इन मोनेस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। एंड दिस पेपर इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री कॉल्ड शुगुशेंग। तो शुगुशेंग नाम का लोकल ट्री होता है, उसके बार्क से ये बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आते हैं अगले सवाल में। दूसरा सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर विल पास थ्रू। इनमें से कौन से स्टेट्स से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पास होता है। ऑप्शंस आर, पहला है बिहार, पंजाब, तीसरा है वेस्ट बंगाल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इनमें से अब कौन कौन से स्टेट से पास करता है आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट टू एंड फोर, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इन सभी स्टेट से पास होकर गुजरता है। आपके लिए सवाल ये है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, प्लस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो ये है, आपको बताना है इन्हें कौन से पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और कौन से पॉइंट एंड होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। अगला सवाल है, ई संपदा वेब पोर्टल वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। ई संपदा वेब पोर्टल में से कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ऑप्शंस आर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। सोच लीजिए, आंसर बताइए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसने लॉन्च किया था ई संपदा वेब पोर्टल को, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये आप याद रखिएगा। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जानते हैं। जैसे पहली न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव, याद रखिएगा, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। अब ये जो कॉन्क्लेव है, ये ऑर्गेनाइज कौन कराता है, तो ऑर्गेनाइज कराता है CSIR, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, विच इज एंटरिंग इन टू इट 75th ईयर्स ऑफ इंसेप्शन। तो ये अपने बनने के 75वें साल में इंटर कर चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आ सकता है, NPL पे सवाल आ सकता है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा जो थीम थी इस बार की, वो थी मीट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, मीट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये भी आपको याद रखना कि मीट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन इसकी थीम थी। अब कुछ इनिशिएटिव्स थे जो कि लॉन्च किए गए थे। पहला है नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल क्या है, इट विल क्रिएट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद 2.8 नैनोसेकंड ऑफ एक्यूरेसी। मतलब जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको 2.8 नैनोसेकंड की एक्यूरेसी तक ले जाएगा।
नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ठीक है ना, इट विल क्रिएट इंडियन टाइम स्टैंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद 2.8 नैनो सेकंड्स ऑफ एक्यूरेसी. हेंस फ्रॉम नाउ ऑन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज मैचिंग द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम विद द एक्यूरेसी रेंज ऑफ लेस देन 3 नैनो सेकंड. तो लेस देन 3 नैनो सेकंड से भी ज्यादा एक्यूरेसी से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच करेगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट थिंग तो ये थी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल. दूसरा था भारतीय निर्देशक द्रव्य. अब ये भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है, इट इज अ लेबोरेटरी दैट वुड हेल्प द इंडस्ट्री टू मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन सेक्टर्स लाइक हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स बाय ड्राफ्टिंग सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सिस्टम. तो क्या करेंगे, ये भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है इट्स अ लेबोरेटरी जहां पर क्रिएट किया जाएगा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन सेक्टर्स लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, इन सेक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड्स, फार्मा एंड टेक्सटाइल्स. तो अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको बहुत अच्छी क्वालिटी में बनाया जाएगा इस लेबोरेटरी में. फिर ये लेबोरेटरी से क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फार्मूला दे देंगे कि भाई ऐसे फार्मूला से आप बनाओ, तो वहाँ पे बनेगा. तो भारतीय निर्देशक द्रव्य. अब तीसरा जो इनिशिएटिव था लॉन्च हुआ वो था नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी. तो नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी क्या है, इट विल एड द सेल्फ रिलायंस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट. तो एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो था बेसिकली उसके सर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी. याद रखिएगा, इट विल एड द सेल्फ रिलायंस इन द सर्टिफिकेशन ऑफ एम्बिएंट एयर. तो मतलब एयर क्वालिटी अच्छी रहे उसके लिए जो इक्विपमेंट्स का यूज होता है, या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन को मॉनिटर करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए ये नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी बनाई गई है. भारतीय निर्देशक द्रव्य बता दिया मैंने आपको, और इसके अलावा नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल जो कि 2.8 नैनो सेकंड की एक्यूरेसी तक ले जाएगा किसको, अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को विद द इंटर नेशनल स्टैंडर्ड टाइम. तो ये भी आप याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स सेंटर्स प्लान टू बिल्ड अ 3 times बिगर पार्लियामेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको गो अहेड दे दिया है टू द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, इसका जो नाम है वो क्या है, उसका नाम है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट. तो कल इसका जजमेंट आना था. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है वो एक्चुअली आगे के पेजेस में, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट. तो ये आपको पता चलना चाहिए कि जो न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट है उसकी नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, और इस बार का जो शेप है देखो एक्चुअली पेंटागन शेप है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 जाएगा ऐसे, तो पेंटागन शेप में रहेगा ये, एंड सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है. एंड बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए जा रहे थे, बट नाउ इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है इट हैज़ गिवन अ ग्रीन सिग्नल. तो मैं थोड़ा आगे से आपको ये इस न्यूज़ को ख़त्म ही कर देते हैं अपन, क्योंकि आगे इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही, लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है ना, ताकि अपना पूरा टॉपिक जो है एक बार में ही कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू इंटेंस जुडिशियल रिव्यू. ये अगली ये जो पेज 9 पे ये न्यूज़ है, ये दोनों मिलाकर या पढ़िए. तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया, और उसने वो ये कहा कि देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू. देखो अभी तक अपन जुडिशियल रिव्यू पढ़ते थे, अब एक हाइटेंड जुडिशियल रिव्यू मतलब कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट खुद एक सिंपल प्रोजेक्ट की तरह ले रही है, तो हम उसको फिर हाइटेंड या एक्स्ट्रा इम्पीटस नहीं देंगे. अगर गवर्नमेंट ही उसको सिंपल प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ा रही है तो हम उसको कैसे एक्स्ट्रा इम्पीटस या हाइटेंड इम्पीटस दे करके उसको देखें, ठीक है ना. इसका सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नमेंट इज बिल्कुल इंटाइटल्ड टू मेक एरर्स एंड अचीव सक्सेसेस. गवर्नमेंट को बिल्कुल फ्रीडम है कि वो एरर भी करे और वो सक्सेस भी प्राप्त करे अपनी पॉलिसी डिसीजंस के, बट पॉलिसी के बीच में इंटरफेरेंस करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है. जुडिशरी का ये ओवर जुडिशियल ओवररीच में आ जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना था कि वो जुडिशियल ओवररीच नहीं करना चाहते, जुडिशियल ओवररीच में क्या होता है कि मतलब जुडिशरी क्या है, अपने स्फेयर से बढ़ करके दूसरे के स्फेयर में घुसने लगती है. अब ये तो भाई लेजिस्लेटिव का काम है ये डिसाइड करना कि कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा. अब गवर्नमेंट चाहती है भाई उसको डेवलप करना तो करने दो, दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. गवर्नमेंट मे एग्जामाइन द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ अ पॉलिसी एट इट्स ओन एंड. मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पॉलिसी का एडवांटेज या डिसएडवांटेज अपनी अपने ओन एंड पे रखे, और इट माइट अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स और इट माइट
not achieve them. But court का जो concern है, that is to inquire into, वो ये नहीं है कि elected government क्या policies कर रही है, क्या priorities रख रही है, ठीक है? उनको लगता है कि पहले घरों को बनाने से पहले parliament की building बनानी चाहिए, तो वो बना सकते हैं. This is what the Supreme Court said. तो ये थोड़ा अटपटा judgment है, मतलब judgment अटपटा नहीं है, ठीक है? आप बनाइए, बिल्कुल बनाइए, बट ये reasoning जो है, ये future के लिए नुकसानदायक है. अभी के लिए तो ठीक है, चलो मैं भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आपने बनाने का सोच लिया, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बट फ्यूचर में अगर सुप्रीम कोर्ट का यही आर्ग्यूमेंट रहा कि भैया गवर्नमेंट गलती भी कर सकती है, गवर्नमेंट सक्सेस भी पा सकती है, और लेकिन ये गलत है ना, ये आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से गलत है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की गलती से एक व्यक्ति इफेक्ट नहीं होगा, गवर्नमेंट की गलती से करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे. तो एक्चुअली ये चीज मेरे लगता है कि ऐड करनी चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट है, कि ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी गलती करवा सकते हैं वहां पे, ठीक है? अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपको थोड़ा सा चीज बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू टर्म मेंशन्ड है, तो नहीं, जुडिशियल रिव्यू टर्म स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है. बट आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 136 जो है, इन सबको देख करके आप बोल सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज मतलब कि इंटैक्ट है, इन लाइन है, बिटवीन द लाइंस रीड करो तो आपको जुडिशियल रिव्यू समझ में आएगा. बट स्पेसिफिकली अलग से जुडिशियल रिव्यू टर्म मेंशन इस तरीके से नहीं हुआ, डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना? इसके अलावा एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जैसे क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि इनमें से किस चीज़ में जुडिशियल रिव्यू रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एक होता है मनी बिल, ठीक है? मनी बिल में आपको बताना है कि जुडिशियल रिव्यू रहता है या नहीं रहता है. और दूसरा है ऑर्डिनेंस में जुडिशियल रिव्यू रहता है कि नहीं रहता है. तो वेदर देर इज अ ऑर्डिनेंस और जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं, मनी बिल के केस में जुडिशियल रिव्यू है या नहीं, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना? और जुडिशियल रिव्यू कहना चाहिए एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी है. बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको कि वॉयलेट नहीं किया जा सकता है ना, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, और जुडिशियल रिव्यू इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? तो ये भी आपको याद रखना है. आगे न्यूज और थोड़ा देख लेते हैं, है ना, फिर बाद में एक साथ अपन एडिटोरियल्स देख लेंगे. तो पहले न्यूज़ वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक न्यूज़ है, लेविस्टा कॉफ़ी एम्स टू डबल द मार्केट शेयर. तो यहाँ पे याद रखिएगा, होम ग्रोन कॉफ़ी ब्रांड है ये, होम ग्रोन कॉफ़ी ब्रांड है लेविस्टा, और जो कि अपने मार्केट शेयर को डबल करना चाहता है ना बाय 2022. तो सबसे पहले तो लेविस्टा याद रखिएगा कि होम ग्रोन कॉफ़ी ब्रांड है. इसके साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि कौन सा स्टेट है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. इसका आंसर होगा कर्नाटका. याद रखिएगा, कर्नाटका इज द हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. तो ये भी चीज आप याद रख लीजिएगा, इसको ऐड करिए. ग्लोबल इंडिया आउटपुट सेट टू एक्सपैंड इन फाइनेंशियल ईयर 2022. तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ग्लोबल और इंडिया दोनों का आउटपुट जो है वो 2022 में जाकर के बहुत बढ़ेगा, है ना? तो अब हुआ क्या है बेसिकली, क्यों ऐसा बोल रहा है वर्ल्ड बैंक, कि उनकी रिपोर्ट आई. एक्चुअली उनकी रिपोर्ट कौन सी आई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नाम की रिपोर्ट है जिसको कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है. उसमें उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है इंडिया की, दैट विल बी नियरली, जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है दैट विल बी 4% इन 2021. 2021 में 4% ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट ग्रोथ होगी, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट ग्रोथ होगी, ठीक है ना? एंड इंडिया के लिए भी उन्होंने यही कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया की ग्रोथ जो रहेगी दैट विल बी गुड. एंड लेकिन उन्होंने 5 से 5.5% के बीच में ये ग्रोथ बताई है, दैट विल बी 5 to 5.4% के बीच में ये ग्रोथ बताई है, ठीक है ना? अब यहां पे इंडिया की जो एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन था करंट फिस्कल में, दैट इज ड्यू टू अ शार्प डिक्लाइन इन द हाउसहोल्ड. अब देखो ये रीजंस भी है, ये भी लिख लो अपने उसमें नोट्स में कि क्यों इतना ज्यादा शार्प डिक्लाइन हुआ है. देखो पैंडेमिक का इंपैक्ट तो है ही, ऑब्वियस बात है, पैंडेमिक का इंपैक्ट आप लिखोगे, प्रोडक्शन कम हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ये सब हो गए. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउसहोल्ड स्पेंडिंग कम हो गया. अब आप खुद ही सोचिए कि आप जब कहीं जा ही नहीं रहे हो, मार्केट ही नहीं जा रहे हो, मॉल ही नहीं जा रहे हो, कोई चीज कर ही नहीं रहे हो, तो आप हाउसहोल्ड स्पेंडिंग तो डिक्रीज होगी ना. तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग का डिक्रीज होना, और हाउस होल्ड स्पेंडिंग सिर्फ
पैंडेमिक के टाइम में डिक्रीज नहीं हुई है, हुआ यह है कि आपके दिमाग में ही कहीं ना कहीं आप देखो तो इनग्रेन कर गई। आप अपन कहीं भी जाने से एक बार सोचते हैं, बाहर खाना खाने से पहले एक बार सोच रहे हैं ना, अगर आप देखो तो ये सारे चेंजेस आपके बिहेवियर में आ रहा होगा। और अगर ये चेंजेस आ रहे हैं तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग और फ्यूचर में भी थोड़ा डिक्रीज होगी। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हुआ। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों डिक्रीज हुआ भाई? इन्वेस्टमेंट व्यक्ति तब करता है जब उसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो और उसको ये लग रहा हो कि फ्यूचर में और एक्सपेंशन होने वाला है। बट ऑलरेडी जब सिंस यहाँ पे पूरा का पूरा गिरा हुआ है मार्केट, तो फिर इन्वेस्टमेंट अलग से क्यों होगा? देन देर वॉज सीवियर इनकम लॉस इन द इनफॉर्मल सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर 4/5 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये तीन बहुत प्यारे रीजंस है जो कि आप बता सकते हैं कि क्यों ग्रोथ कम हुई है। पहला है प्राइवेट कंजम्पशन या हाउस होल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का घटना, दूसरा है हाउस होल्ड कंजम्पशन या हाउस होल्ड स्पेंडिंग का घटना, तीसरा रीजन क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। इनफैक्ट जो अगर आपने देखो कि जितने भी जॉब्स लॉसेस हुए इतने ज़्यादा करोड़ों में जॉब लॉस हुआ, ये सब हुआ, ये पूरा इनफॉर्मल सेक्टर में ही तो हुआ है। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ दैट हैज़ बीन इन इनफॉर्मल सेक्टर। इतने माइग्रेंट लेबर्स वहाँ से वापस आ गए, कैजुअल लेबर्स वापस आ गए, है ना। तो 4/5 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ये इनफॉर्मल सेक्टर ही है और वो पूरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑथर ने कहा था कि इस बार जो पैंडमिक का इम्पैक्ट था उसमें एक इम्पैक्ट ये भी, ग्लोबल जो डेट है इसमें, ग्लोबल जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक, है ना। याद रखिएगा ग्लोबल डेट जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा साउथ एशियन रीजन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट 6.7% इन 2020। तो साउथ एशिया की जो इकोनॉमी है वो 6.7% यानी कि 6.7% तक डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्ट की है इन द पैंडेमिक स्टेट, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, ये काफ़ी अच्छा इसमें न्यूज़ अच्छी थी इन द सेंस कि ये काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। एंड इंडियन गिफ्ट हेल्प्स श्रीलंकाज कोविड-19 फाइट। अब यहाँ पे क्या है बेसिकली, तो इंडिया ने श्रीलंका की 2016 में मदद की थी। इंडिया ने मदद की थी किसकी? श्रीलंका की मदद की थी। कब की थी? 2016 में की थी। अब कैसे की थी? इस तरह से की थी कि श्रीलंका ने डिमांड की थी इनसे एक्चुअली कुछ एम्बुलेंसेस की, है ना, एम्बुलेंसेस की डिमांड की थी और उनमें से फिर श्रीलंका को 2016 में अवेलेबल कराया था इंडिया ने, जिसको हम सुवा सेरिया, याद रखिएगा सुवा सेरिया एम्बुलेंस सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुवा सेरिया एम्बुलेंस सर्विस बोलते हैं। इसको मतलब होता है व्हीकल और जर्नी फॉर गुड हेल्थ सर्विस, ठीक है ना, सुवा सेरिया सर्विस, SSS, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब जानना है तो क्या है? सुवा सेरिया सर्विस, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016 इन श्रीलंकाज वेस्टर्न एंड सदर्न प्रोविंसेस विद 88 एम्बुलेंसेस। तो 2016 में ये लॉन्च की गई थी, फ्री एम्बुलेंस सर्विस है, ठीक है ना। एंड इट हैज प्रूव्ड क्रूशियल फॉर कंट्रीज रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक। कंट्री का जो रिस्पॉन्स रहा है, श्रीलंका का रिस्पॉन्स जो रहा है टू द पैंडेमिक, उसमें ये काफी ज्यादा मददगार साबित हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, सुवा सेरिया सर्विस विच इज द फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाई इंडिया टू श्रीलंका इन 2016, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, सुवा सेरिया सर्विस, आप इसको नोट्स में ऐड करके रख लीजिए, है ना। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिख रही होगी, गल्फ लीडर्स साइन डील टू एंड थ्री इयर्स लॉन्ग डिस्प्यूट। अब यह हुआ क्या है कि गल्फ लीडर्स, यानी कि जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, इसने एक सॉलिडैरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए डील साइन किया। देयर हैज बीन अ डील साइंड फॉर द सॉलिडैरिटी एंड स्टेबिलिटी। एंड ये साइन कहाँ पे हुई है? सऊदी अरेबिया में ही साइन हुई है। एक्चुअली में ये मेन था कतर को इम्प्रेस करने के लिए, है ना, कतर को इम्प्रेस करने के लिए, ब्रिंगिंग दोहा बैक इनटू द रीजनल फोल्ड आफ्टर अ 3-year-long रिफ्ट। तो एक्चुअली 3 साल से कतर के बीच में और ये जो सऊदी अरेबिया नेशंस हैं इनके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये बोला कि कतर जो है वो ज़्यादा क्लोज ईरान के जा रहा है। अब मैंने आपको कई बार समझा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस कंट्री के रिलेशन किस कंट्री से अच्छे हैं और नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान की हमेशा रिफ्ट रहती है, इज़राइल और ईरान की हमेशा रिफ्ट रहती है। तो आपको ये अगर पता है तो आप समझ जाएंगे कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन। जैसे सऊदी अरेबिया की यमन की हमेशा लड़ाई रहती है,
ये आपको पता होना चाहिए, यमन की ईरान से दोस्ती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अफेयर्स का पता भी रहना चाहिए। तो अब हुआ यह था कि सऊदी अरेबिया ने यह बोला कि कतर जो है वो ईरान के ज़्यादा क्लोज जा रहा है, इसलिए उन्होंने टाइज उसके साथ ख़त्म कर दिए थे 2017 में। इसके बाद हमने देखा था कतर जो था वो ओपेक ग्रुप से भी बाहर हो गया था, है ना, ये सब चीज़ें भी हमने देखी। तो अब हुआ क्या है कि बेसिकली अब जो रीजन है वहाँ पे फिर से एक तरह से एक करने के लिए और जो भी बैरियर्स लगे हुए थे, लैंड बैरियर्स और ट्रेड बैरियर्स, उनको रिमूव करने के लिए अल उफा में जो कि सऊदी अरेबिया का ही पार्ट है, वहाँ पर ओवरनाइटली एक रीओपन किया गया लैंड सी एंड एयर बॉर्डर्स को टू दोहा, लैंड सी और एयर बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया। इसके साथ साथ आपका कुवैत और ओमान कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे एंड एक तरीके से फिर से इस रीजन में दोस्ती यारी को और ज़्यादा जब मिल बैठेंगे चार यार, यहाँ चार यार मिलके बैठ गए, कुवैत, ओमान, सऊदी एंड कतर, तो ये चार यार मिलके बैठे थे वहाँ पे, कल पूरी डील यहाँ पे फाइनल कर ली गई। आगे मूव करते हैं, डिटेल्स जो थी डील की वो वैसे ओपन नहीं किए गए हैं अभी, लेकिन हमको इतना जानने की जरूरत भी नहीं डिटेल्स ऑफ द डील क्या है, हमको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे इनका एग्रीमेंट हो गया है सॉलिडरिटी एंड सॉलिड उसके लिए, ठीक है ना, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगला है टू डे एशियन वाटर बर्ड सेंसस ऑफ टू अ फ्लाइंग स्टार्ट। अब यहाँ पे दो दिनों का एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 कमेंस इन द आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा पहली चीज की एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2020 कहाँ कमेंस हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में कमेंस हुआ है, ठीक है ना। अब ये होता किसके अंतर्गत है, तो BNHS, याद रखिएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS जो है आपका उसके अंतर्गत ये कवर किया जाता है और इसमें लगभग 24 साइट्स हैं जिसको कवर किया गया है, जिनमें कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू लेक एंड कृष्णा सेंचुरी, ये आपके आंध्र प्रदेश वाली पार्ट में है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू लेक एंड कृष्णा सेंचुरी, इनको इंक्लूड किया गया है। अब क्या है बेसिकली साइट्स, वो साइट्स हैं जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं और बर्ड्स के उस स्टेटस के बारे में पता रहता है उनको, उनका सेंसस किया जाता है, कितने बर्ड्स का नंबर है कितना है। अब एक इंडेंजर्ड बर्ड का नाम भी लिखा हुआ है, इंडेंजर्ड इंडियन स्कीमर, याद रखिएगा इंडियन स्कीमर, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन स्कीमर क्या है, तो इंडियन स्कीमर एक बर्ड है और याद रखिएगा किसका IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। BNHS के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि BNHS जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रमोट करती है कॉज ऑफ नेचर कंजर्वेशन सिंस 1883, 1883 से ये बनी है, 1883 यानी कि 1883 से ही ये कॉज ऑफ नेचर को प्रमोट कर रही है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द दिस। अगली जो न्यूज है वो है प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स कोची मैंगलुरु LNG पाइपलाइन। अब प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है कोची मैंगलुरु LNG पाइपलाइन। अब एफर्ट्स टू मेक इंडिया ए नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी, अब इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, तो एक डिसीजन तो ये लिया गया कि 10,000 से ज्यादा CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस को ओपन किया जाएगा, ठीक है ना। क्या पहला डिसीजन क्या लिया गया, इंडिया को गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशंस बनाए जाएंगे। इसके अलावा PNG यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस हाउस होल्ड कनेक्शंस दिए जाएंगे, विल बी गिवन, है ना। देन 450 किलोमीटर की कोची कुटुनाड मंगलुरु LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पाइपलाइन को स्टार्ट किया गया। तो ये कोची कुटुनाड एंड मंगलुरु LNG पाइपलाइन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया और ये जो था आपका इंडिया को वन नेशन वन गैस ग्रिड के अंतर्गत, याद रखिएगा इंडिया एक प्रोग्राम है वन नेशन वन गैस ग्रिड, इसकी पॉलिसी के अंतर्गत बेसिकली ये रिलीज किया गया है, गैस बेस्ड इकोनॉमी इंडिया को बनाना चाहते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। अब ये जो पाइपलाइन है इसको बनाया किसने है, तो इट हैज बीन बिल्ट बाय गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है एंड इंडिया इज फोकसिंग ऑन गैस बेस्ड इकोनॉमी एंड लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन अंडर द वन नेशन वन गैस ग्रिड। जैसे कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 5 से 6 सालों के अंतर्गत हम एक तो गैस नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क को डबल कर देंगे, CNG स्टेशन के नंबर को 1,500 से बढ़ा करके 10,000 कर देंगे, ठीक है, 1,500 है अभी, उनको बढ़ा करके 10,000 करना है। तो ये बेसिकली ये सारे डिसीजन लिए गए इन दैट इनॉग्रेशन सेरेमनी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आ गए हैं।
पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चेंजिंग द कंटूर्स ऑफ इंडिया यूके टाइज। अब किस तरीके से इंडिया यूके टाइज चेंज होती जा रही है। अब देखो यूके के टाइज तो हम क्या ही बोले, पहले तो हम 200 साल तक लगभग उनके अंदर गुलाम थे, है ना, हमको गुलाम बना करके रखा था उन्होंने। तो अब टाइज कैसे आई, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पहले तो हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गए, ठीक है हमने स्वीकार कर लिया, कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने, धीरे धीरे टाइज आगे बढ़ती गई। अब यहाँ पर हमने पिछले कई सालों में रिपब्लिक डे के लिए ब्रिटेन को इनवाइट किया है, 5 से 6 बार किया है। अभी इस बार हमने बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया था, लेकिन सिंस वहाँ पर एक नया स्ट्रेन आ गया था तो इसके बाद अब उनका आना यहाँ पे कैंसिल हो गया। इट हैज़ बीन कैंसल्ड नाउ। बोरिस जॉनसन ने कहा भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, है ना, गलती से मेरे मुंह से निकल गई थी, मैंने हाँ कह दी थी आपको, लेकिन अब मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कह दिया। तो अब इंडिया हैज़ अ शेयर्ड पास्ट विद ब्रिटेन एंड नीड्स टू चार्ट अ डिफरेंट शेयर्ड फ्यूचर एज वेल। हमारा एक शेयर्ड पास्ट तो रहा ही है, लेकिन एक शेयर्ड फ्यूचर भी हमको बनाना है। जैसे सबसे पहले हम एक बात करें, इसमें आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, जैसे कि हम EU के साथ मिलकर के, यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे जो अभी तक स्वीकार नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे ऑथर का सजेशन ये कि एटलीस्ट हम ब्रिटेन के साथ अगर कर लें तो दैट कि ये यूरोप के अंदर भी एक वो लगाएगा, और ब्रिटेन के साथ अगर हम FTA करने में सफल रहते हैं तो वो आगे जाकर के हमारा ब्रिटेन EU के साथ भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर आप देखो तो ब्रिटेन जो है दैट इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द P5 का मेंबर है ना, USA, UK, Russia, France and China। तो UK वाला जो पार्ट है वो ऑलरेडी उसका मेंबर है, मतलब कि परमानेंट 5 का पार्ट है, और इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो यहाँ पे भी हमको जो हमारा UNSC में परमानेंट सीट के लिए हमारा जो एक वो चल रहा है उसमें भी हमको UK के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो दैट इज अनदर थिंग विच वी वॉन्ट फ्रॉम द UK, है ना। सो दैट इज द थिंग। एंड बहुत सारे एरियाज में उनके साथ डील कर सकते हैं। ऑथर ने ये बोला है, जैसे एक इशू ये है कि इंडिया को देखो तो ये भी सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और ब्रिटेन भी एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर थोड़ा हमको देख के चलना चाहिए कि किस तरीके से हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से डील कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही सर्विस बेस्ड हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी सर्विस हमको दें, हम चाहते हैं हम अपने सर्विसेज उनको दें, तो हमको ये कोशिश करना है कि हम सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, किस प्रोडक्ट में हम उनके साथ डील कर सकते हैं, ये हमको देखने की जरूरत है, ठीक है ना। और अब ऑथर ने कुछ फैक्ट्स भी दिए हैं कि कितने क्लोज टाइज हैं हमारे। तो अगर आप देखो यहां पे लिखा हुआ है द इंडिया यूके लिंक्स आर सब्सटेंशियल, 1.5 मिलियन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में अगर आप देखो तो 1.5 मिलियन पीपल, लगभग कि 15 लाख से ज्यादा लोग जो है ब्रिटेन में रिसाइड कर रहे हैं, एंड उसमें से लगभग 15 ऐसे लोग हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, 2 ऐसे हैं जो कि बहुत हाई ऑफिसेज होल्ड करते हैं, है ना, जैसे फिनेंस और होम मिनिस्टर। इसके अलावा COVID-19 से पहले देर वर 500,000 टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एनुअली एंड ट्वाइस दैट फिगर इन द रिवर्स डायरेक्शन। मतलब अगर आप देखो तो लगभग 500,000, 500,000 का मतलब कितना होता है, 5 लाख, ठीक है ना, लगभग 5 लाख जो लोग हैं वो हर साल जाते थे वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, टूरिज्म के लिए जाते थे, और लगभग 10 लाख लोग आते भी थे, है ना। इसके अलावा 30,000 इंडियंस स्टडी इन ब्रिटेन, लगभग 30,000 इंडियंस हैं जो कि वहाँ पे ब्रिटेन में पढ़ाई करते हैं। 2 वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्टिव है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट, फिर भी लगभग 30,000 इंडियंस ऐसे जो कि स्टडी करते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन इज अमंग द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर इन ब्रिटेन। अगर आप देखो तो ब्रिटेन जो है इट इज अमंग द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडिया एंड इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड अ मेजर जॉब क्रिएटर इन ब्रिटेन। फिर अगर आप देखो तो इंडिया हैज अ क्रेडिट बैलेंस इन अ टोटल ट्रेड ऑफ $16 बिलियन। तो टोटल ट्रेड जो हमारा होता है वो $16 बिलियन का होता है, याद रखिएगा। बट द लेवल इज बिलो इंडियाज ट्रेड विद स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड बेल्जियम। लेकिन इंडिया का ज़्यादा ट्रेड स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी से होता है। अब स्विट्जरलैंड से तो बहुत ज़्यादा होता होगा कि स्विस बैंक में खाता ही हमारा खुला हुआ है इतने सारे हमारे यहाँ के, तो स्विट्जरलैंड से तो ऑटोमेटिक सी बात है बहुत ज़्यादा हमारा होता है। अब ब्रिटेन उसको तो मैच नहीं कर पा रहा है अभी, सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट मिस्टर जॉनसन। इसके अलावा ये भी है कि 2024 में फिर से इलेक्शन लड़ेंगे एंड ही इज़ फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी। तो उनकी पार्टी का नाम याद रखिए, कंजर्वेटिव पार्टी से है, ये भी याद रखेगा।
द डार्क स्टेप ऑफ राइटिंग हेट इन टू लॉ। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली लिखा गया है रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेंस, जो उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस है ना, रिगार्डिंग द इंटरफेथ मैरिजेस। मतलब उसमें ये हो रहा है ना कि रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो एल्योरमेंट दे करके, मैरिज के प्रपोजल से, मैरिज के थ्रू और इन सब के थ्रू अगर हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि इसकी जाँच की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी कि कलेक्टर द्वारा वो जाँच की जाएगी और फिर ये सब होगा, चीज़ें पता किसी पुलिस इंस्पेक्टर को दी जाएगी और वो बताएगा कि ये वाकई में कन्वर्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उसकी रिपोर्ट के बेसिस में कन्वर्जन को अलाउ किया जाएगा, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि ये काम करें, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया गया है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो ऑथर ने कहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये फंडामेंटली रॉन्ग है ना। और क्या क्या इश्यूज हैं ऑथर ने बताए वो हम एक एक करके मैं पॉइंट बताता हूँ, आप उसको लिख लीजिए। वैसे ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से आपको बता दूं तो इट इज़ इंडिविजुअल्स राइट, इट इज़ इंडिविजुअल्स राइट टू चॉइस, उसके इम्पैक्ट कर रही है। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल का जो राइट है, इंडिविजुअल्स राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस उसको इम्पैक्ट कर रही है। दूसरा है इंडिविजुअल्स फ्रीडम, इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको इम्पैक्ट कर रही है। फिर आर्टिकल 25 कि कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजियस मैटर्स में, रिलीजियस जो फ्रीडम दी जाती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, उसको इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ देखो लिखा हुआ है द प्रोविजंस इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू चूज हर फेथ विदाउट सीकिंग द स्टेट सैंक्शन। कोई भी व्यक्ति अपना फेथ चूज कर सकता है विदाउट द स्टेट सैंक्शन। दूसरा ये कि दीज लॉज ब्लेटेंटली वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी एज वेल, राइट टू प्राइवेसी को भी वॉयलेट करते हैं ये, है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको कि नोटिस लगाई जाएगी एक महीने के लिए, ये वो चीज़ें होंगी, है ना, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। चौथा जो है इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि द बेसिस ऑफ द न्यू लॉ इज डीपली पैट्रियार्कल। ऑथर का कहना है कि ये पैट्रियार्की से इसका ताल्लुक है। एंड द नाइट मेयर दैट इंडिया ट्रेवर्स इन द 1920s विद कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म, टर्निंग चार्जेस ऑफ हिंदू बेटीज इन नॉर्थ इंडिया बींग टेकन अवे लाइक कैटल आर बींग रिलीव्ड नाउ। तो वही वाली बात है कि थोड़ा पैट्रियार्की में भी इस नए लॉ का जो है उसकी जड़ें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लव जिहाद का कंसेप्ट आ गया है ना, तो वही अल पैट्रियार्की की, मतलब जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वही डिटरमाइन करे कि हम बोल रहे हैं कि हमारी हिंदू बेटियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के लड़की को ऐसा माना जाता है ना कि लड़की का अपना खुद का दिमाग है ही नहीं, जैसे है ना, लड़की का अपना खुद का दिमाग है ही नहीं, तो यही इसलिए बोला कि अरे बेटी को बेवकूफ़ बना दिया गया। अरे उस लड़के ने ही बेटी को बेवकूफ़ बना दिया होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के होता है कि इंडिया की सोसाइटी में डीपली इनग्रेंड है एक चीज़ कि हमारी बेटी का जो डिसीजन है वो कोई दूसरा मेल ही ले रहा है, वो या तो वो मेल लेगा या तो घर में जो पिताजी बैठे हैं या वो मेल लेंगे, है ना, तो इसके अलावा और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो दैट इज एक्चुअली अ पैट्रियार्कल माइंडसेट जो आज भी काम कर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें लव जिहाद का जो कंसेप्ट है, ऑथर ने ये कहा है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फैलाया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजियस मैरिजेस जो है, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, वो 2.5% ऑफ मैरिजेस ही कंप्राइज करते हैं। 100 लोग मैरिज कर रहे हैं तो उनमें से 2 ही ऐसे होंगे जो इंटर रिलीजियस कर रहे होंगे। लेकिन ऑथर ने कहा कि बट ये रीअफर्म करता है द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिमाइस ऑफ ऑल द सिटीजन्स बींग इक्वल। ये जो 2 मैरिज भी हो रही हैं ये अपने आप में इस चीज़ को रीअफर्म करती हैं कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको फर्म करती है। इसलिए इनका नंबर बहुत कम है लेकिन ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, शॉक ट्रीटमेंट विल नॉट वर्क इन एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब ऑथर ने सबसे पहले बोला कि जो MSP ये लॉ है, इस लॉ के कुछ मतलब कि इश्यूज़ ऑथर ने हाईलाइट किए हैं। जैसे कि ऑथर ने कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरे लॉ में कहीं पे भी कोई अच्छा प्रॉपर रेगुलेटर नहीं है। कोई भी अगर रेगुलेटर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, देखो लिखा हुआ है कि न्यू मार्केट विल बी एन अननोन घोस्ट विद नो कंट्रोल ओवर देम बाय एनीवन। दस वाइल द मैल प्रैक्टिसेस इन मंडीज आर नोन एंड लोकल लीडर्स दे नो द इशूज ऑफ द लोकल मंडीज, ये जो नए कॉरपोरेट्स आएंगे इनके तो इशूज ही किसी को नहीं पता चलेंगे, क्योंकि भाई ये तो अननोन टेरेन है, ये अननोन टेरिटरी है और यहाँ पर रेगुलेटर भी प्रॉपर अभी नहीं डिसाइड किया गया है। दैट इज द फर्स्ट इशू। दूसरा जो इशू है ये लिख लो, दूसरा इशू ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि MSP चलता रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक
चलता तो रहेगा, लेकिन जब 2-3 सालों के बाद आपका मंडी सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा और लगभग बंद होने लगेगा, तो क्या उसके बाद एमएसपी आप रखोगे? जब मंडियां ही बंद हो जाएंगी तो एमएसपी सिस्टम से आप खरीदेंगे कहां पे? मंडियों से जब लोग खरीदना बंद कर देंगे तो मंडीज क्यों खुली रहेंगी? नहीं खुली रहेंगी। और जब नहीं खुली रहेंगी मंडीज, तो फिर उसके बाद आप मतलब कि क्यों एमएसपी चालू रखोगे? ठीक है ना, दैट इज द इशू। तीसरी चीज ये है, जो ऑथर का कहना है वो ये है कि जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, ये लास्ट मोमेंट में अपने टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो अगर कहें, आपने सपोज 1000 किलो आलू के लिए डील की थी, आपसे लेज ने कर दी थी, ठीक है ना। अब 1000 किलो आलू आपसे अगर वो खरीद रहे हैं, तो वो लास्ट में क्या बोल देंगे, भैया आपके 200 किलो आलू तो खराब थे, आपके 400 किलो आलू खराब थे, हम नहीं लेंगे। तो फिर फार्मर ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? इसके बाद चौथा जो इशू ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि अब आप बोलते हो कि हमारे पास कोर्ट का मैकेनिज्म है, फार्मर कोर्ट क्यों नहीं चलाता? भाई 85% फार्मर ऐसे हैं जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। आपको क्या लगता है कि वो किसी कॉरपोरेट से किसी कोर्ट में केस जीत पाएंगे? किसी भी हालत में इंडिया का चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, इंडिया का चाहे पुलिस सिस्टम हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो दैट हैज़ ऑलवेज फेवर्ड द वन विद मनी। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो हमेशा उसके साथ फेवर होता है। तो आप ऐसे केस में कैसे फार्मर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो फार्मर जाके केस जीत जाएगा? या लेस कंपनी, भाई आपकी गवर्नमेंट वोडाफोन से केस नहीं जीत पा रही है, आपकी गवर्नमेंट केएन एनर्जी से केस नहीं जीत पा रही है, सिंस इसलिए मतलब समझ रहे हो आप लोग? आप इमेजिन कर रहे हो कि एक ऐसा फार्मर जो कि 2 एकड़ से कम की जिसके पास जमीन है, जो कि कुल मिलाकर के इतना बस प्रोड्यूस कर पा रहा है कि वो भूखा नहीं मर रहा है, तो ऐसे केस में आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो केस जाकर के लड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें थोड़ा सोचने वाली बातें हैं जो कि अभी भी लोग नहीं सोचते हैं, है ना। सो दैट इज द थिंग दैट गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड। यहां पर ऑथर ने वो सारे इश्यूज उठाए हैं, एंड वही वाली बात है, यहाँ पे ऑथर ने इन सारे मुद्दों को उठाया। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।